हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आ गई गूगल का एक नया स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 6a। दोस्तों, इंडिया में हो चुका है ये लॉन्च और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इस फ़ोन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बारे में। और साथ ही वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि यह फ़ोन आपको खरीदने लायक है या नहीं। और दोस्तों, आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको आगे मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इन द बॉक्स हमें क्या क्या देखने को इसमें मिल जाता है। तो सबसे पहले मिलता है इसमें दोस्तों हमें एक स्मार्टफोन, चाहिए तो हमें चाहिए था, यस। और मिल जाती है इसमें टाइप सी केबल, सिम इजेक्टर टूल और मिलता है इसमें हमें यूएसबी डेटा ट्रांसफ़र अडप्टर। अगर दोस्तों आपको यह नहीं पता कि इसका यूज़ कैसे होता है और यह किस काम में आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यह एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र के काम आता है। और यह डेटा ट्रांसफ़र आप अपने किसी भी यूएसबी केबल से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी भी पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। करते हैं इसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों, यह फ़ोन देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है और साथ ही यह दोस्तों दो कलर वेरिएंट में देखने को हमें मिल जाता है, जिसमें पहला हमें चारकोल और दूसरा हमें चार कलर देखने को इसमें मिलता है। साथ ही इसके दोस्तों बैक हमें प्लास्टिक मटेरियल की देखने को मिल जाती है। और इसके वेट की बात करूँ तो 178 ग्राम का हमें दोस्तों इसका वेट देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसकी स्क्रीन की। तो 6.1 इंचेस की फुल एचडी प्लस 60 हर्ट्ज वाली हमें ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को हमें इसमें मिलती है। साथ ही इसमें HDR10+ का सपोर्ट भी हमें देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की तरफ। तो इसमें हमें गूगल टेंसर चिपसेट देखने को मिल जाता है, जिससे आप बड़ी आसानी से हैवी गेमिंग लाइक पबजी, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हैवी गेम्स आप बहुत ही आसानी से बिना किसी फ्रेम ड्रॉप की दिक्कत के आप बहुत ही इजीली इसमें खेल सकते हैं। और साथ ही सिक्योरिटी के लिए हमें इसमें टाइटन M2 का सिक्योरिटी चिपसेट देखने को इसमें मिल जाता है। साथ ही इसमें दोस्तों हमें 6GB की LPDDR5 रैम का सपोर्ट देखने को दोस्तों मिल जाता है। चलते हैं दोस्तों इस कैमरे की तरफ। तो रियर में हमें डुअल कैमरा देखने को दोस्तों मिल जाता है, जिसमें 12.2 मेगापिक्सल का हमें वाइड एंगल लेंस और 12 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड लेंस दोस्तों देखने को मिल जाता है। और इस फोन से हम 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। और सेल्फी के लिए दोस्तों इसमें हमें 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है और इससे हम दोस्तों फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। मैं बात करूँ दोस्तों इसकी बैटरी की, तो इसमें हमें 4410 mAh की लिथियम आयन बैटरी दोस्तों देखने को मिल जाती है। और चार्जिंग के लिए इसमें हमें 18W की वायर चार्जिंग देखने को दोस्तों मिल जाती है। और 128GB की UFS 3.1 नॉन एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने को हमें दोस्तों इसमें मिल जाती है। चलते हैं दोस्तों कनेक्टिविटी की। तो यह फ़ोन दोस्तों 5G नेटवर्क, NFC, Wi-Fi, ब्लूटूथ, GPS जैसे दोस्तों कनेक्टिविटी देखने को हमें इसमें दोस्तों मिल जाती है। बात करें अगर इसकी मल्टीमीडिया की, तो इसमें हमें दोस्तों 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को हमें दोस्तों नहीं मिलता, लेकिन हमें इस फ़ोन में स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को दोस्तों मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोस्तों देखने को हमें मिल जाता है। इसकी प्राइस की तरफ, तो यह फ़ोन हमें 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट 43999 का हमें देखने को दोस्तों मिल जाता है। और यह फ़ोन दोस्तों हम फ्लिपकार्ट के जरिए बाय कर सकते हैं। साथ ही नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से भी जाके इस फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि इस प्राइस पॉइंट पर हमें और कौन कौन से बेहतर स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, तो मैं आपको 5 फ़ोन सजेस्ट करने वाला हूँ जो आप इस प्राइस पॉइंट पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर मैं बात करने वाला हूँ Nothing Phone 1। यह दोस्तों हाल ही में अभी लॉन्च हुआ था। और दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहता हूँ OnePlus 10R। तीसरे नंबर पर मैं बात करना चाहता हूँ मोटोरोला का Edge 30 Pro। और फिफ्थ नंबर की मैं बात करूँ तो वो मिल जाता है हमें सैमसंग की तरफ से Galaxy S21 FE। और इन पांचों ही फ़ोन में आपको 5G का सपोर्ट देखने को दोस्तों मिल जाता है, आप यह फ़ोन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो चलते हैं अब प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके प्रोज की। बात करते हैं दोस्तों इसके कॉन्स की। तो दोस्तों इस फोन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बाद आखिर सवाल आता है कि क्या हमें यह फोन खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि इस फोन की प्राइस हमें 44,000 देखने को मिल जाती है,
जो कि काफी हाई प्राइस है, और इस प्राइस पॉइंट पर हमें काफी बेहतर ऑप्शन भी देखने को हमें इसमें मिल जाते हैं, जो हमें अच्छी डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, यहाँ तक कि अच्छे कैमरे भी हमें दे देते हैं। इसलिए दोस्तों इतना पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हाँ आपके पास पैसा है और आप उसे खर्च करना ही चाहते हैं तो फिर आप इस फोन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।